नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। जब हम कप्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं लव की, इमोशंस की, रिलेशनशिप्स की और एक कनेक्शन की बिटवीन टू पीपल और बिटवीन अ ग्रुप। सो देर इज़ अ काइंड ऑफ एन इमोशन विच आर अटैच टू इट। तो आज जिस कार्ड की हम बात करने वाले हैं वो है 10 of Cups। दिस इज़ वन ऑफ अनदर वेरी स्पेशल कार्ड ऑफ टैरो। इसके मीनिंग में जाने से पहले सबसे पहले हम इसके कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। इसके कीवर्ड्स हैं डिवाइन लव, ब्लिसफुल रिलेशनशिप, हार्मनी, अलाइनमेंट, कंप्लीशन, कंटेंटमेंट। तो सबसे पहले इसके पिक्टोरियल में जाएंगे। पिक्टोरियल में देखते हैं हम एक मेल और फीमेल फिगर जो है, इट्स लाइक दे आर स्टैंडिंग विद देयर आर्म्स ओपन and their two children are playing along। और सामने हम देखते हैं एक घर है, एक ग्रीनरी है और एक रेनबो है जिसके अंदर 10 cups का वो सिंबल बन रहा है। सो सबसे पहले तो मैं इसको ये बताना चाहूँगा, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। दिस कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसकी अगर सबसे पहले अगर हम ऊर्जा में जाएंगे तो ऊर्जा इसकी ऐसी है कि लाइक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, एवरीथिंग इज़ देयर। सो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, जो चाहिए था लाइफ से वो मिल गया है। एंड एक परफेक्ट बैलेंस जो है इसके इस कार्ड के अंदर जो है वो शो कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जहाँ मेल और फीमेल फिगर है वहाँ पर जो है, अगर बच्चे को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी एक मेल और फीमेल फिगर जो है शो करी है। इसकी अगर हम रूट्स में जाएंगे तो अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे 2 of Cups, तो ये कार्ड जो ओरिजिनेट हुआ है 2 of Cups से हुआ है। 2 of Cups जो कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ जो है किसी एक रिलेशनशिप शुरू हुआ था एंड इट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल एट दैट टाइम। और वही चीज़ ग्रो करके आज इट हैज़ कम टू अ पॉइंट ऑफ 10। सो 2 has become 10 एंड व्हेन वी से 10 द 0 डजंट काउंट, द 2 have become 1। That is what the 10 of Cups is signifying here। कि ये जो दो थे, जो 2 of Cups में जो दो लोग थे, अब वो दो नहीं रह गए हैं, वो एक हो गए हैं। So it's a symbol of unity, it's a symbol of love, it's a symbol of satisfaction, contentment and life से जो मिल सकता था वो सब कुछ मिल गया। So it's a singing, dancing and celebrating card अगर आप देखें तो। इसके अंदर कुछ भी नेगेटिव देखना मुश्किल पड़ेगा आपको, बिकॉज देयर इज़ एवरीथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल है। सो समहाउ अ काइंड ऑफ अ कंप्लीशन हैज़ हैपेंड, अ सर्कल विच हैज़ बीन कंप्लीटेड। जो यात्रा आपने शुरू करी थी वो यात्रा जो है कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन के पॉइंट पे शो कर रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। कार्ड का जो सिम्बॉलिज्म है वो बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे जो है एक मेल और फीमेल फिगर देखते हैं जो कि एक येन एंड यांग का सिंबल है, जिसके अंदर जो है येन एंड यांग जो ब्लैक एंड वाइट है, जो मेल और फीमेल फिगर हैं, दे आर इन अ मर्ज, दे आर बीइंग टुगेदर। और बाकी का हम सिम्बॉलिज्म देखते हैं तो पीछे जो है एक घर दिखता है विच इज़ अ मार्क ऑफ देयर लव एंड सेटिस्फैक्शन, द होम विच दे हैव बिल्ट टुगेदर, द लाइफ इन यू नो विच दे आर गोना लिव टुगेदर। दिस इज़ वॉट इट इज़ सिम्बलाइजिंग हेयर। And also, if you see the male and female figure, their hands are like open like this. So they are welcoming whatever is coming. They are really happy with the outcome of life, the point which they have reached in their life, and they can't ask for anything more. That is what is shown in the card. So the rainbow also symbolizes the peace after a storm. Ek tufan, जो कि इसमें कार्ड में जो है एक छुपा हुआ जो मीनिंग जो एक बाहर आ रहा है कि दिस फैमिली हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, इट हैज़ गॉन थ्रू अप्स एंड डाउन्स, इट हैज़ गॉन थ्रू हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, द डिप्रेसिव टाइम, द हैप्पी टाइम्स, ऑल मिक्सड अप एंड फाइनली इट हैज़ कम टू अ पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी। और वो जो एक तूफान का जो वक्त था वो बीत चुका है और जो रेनबो है वो यही सिम्बलाइज कर रहा है कि दे हैव काइंड ऑफ अटेंड अ पीसफुल स्टेज इन देयर लाइफ। दिस इज़ वॉट इट इज़ सिग्निफाइंग। 10 of Cups को अगर हम कंपेयर करेंगे
तो एक कार्ड के साथ बहुत सिमिलर है अदर टैरो कार्ड के साथ, वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स में हम इसी तरह से फिगर देखते हैं लाइक अ फैमिली इज टुगेदर एंड दे इट्स अ काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन विच इज़ हैपनिंग बट विद ऑल द पेंटिकल्स अराउंड। दैट कार्ड सिम्बलाइज मोर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्योंकि उसमें आप पेंटिकल्स देखते हैं और वो यही शो करता है कि एक अच्छी एक स्टेबल पोजिशन है, एक अच्छी एक फाइनेंशियल पोजिशन है। श्योरली द लव इज़ ऑल्सो शोन, लेकिन अगर आप टेन ऑफ कप्स को कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर जो है सीधा इट्स जस्ट अ डायरेक्ट प्योर मैसेज ऑफ लव, ऑफ रिलेशनशिप फ्लावरिंग एंड थिंग्स गोइंग स्मूथली एंड ब्यूटिफुली। और जब भी टेन ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में आता है, टेन ऑफ कप्स आपको यही सिग्निफाई करता है कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम फॉर यू, वॉट एवर यू आस्क फॉर इज happening and all you have to do is just sit back and relax and enjoy the moments which has been given to you. When it comes to love relationships, it will mean that your love has finally come to a point of a stage of maturity and a very good understanding where two people are happy together. And when it comes to business, it also almost means the same thing, you know, that you are happy doing something whatever यू लाइक। क्योंकि मैं इसके साथ मनी को इतना मनी से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि इंस्टेड ऑफ आपकी लाइफ में मनी आए या ना आए, लेकिन यू आर हैप्पी डूइंग समथिंग व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। सो फाइनली व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, जब भी ये कार्ड आए वो आपको एक इशारा कर रहा है एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ कि अब आपकी लाइफ में जो भी आप जी सकते थे, जो भी आउटर वर्ल्ड में आप अचीव कर सकते थे, वो आपने अचीव कर लिया है। And somehow you have come to a point of not going anywhere. जो बाहर जाया जा सकता था वो आप चले गए हैं। Now there is only one place to go, and that is inside of you. So this is what even Osho says, you know, and he has a very beautiful book by this name, Nowhere to Go But In. तो कार्ड का जो इशारा है, कार्ड जो आपको कहना चाहता है, कार्ड यही कहना चाहता है कि there is nowhere else to go but inside you. There is a life which you have lived outside and it has given you whatever you wanted. It has satisfied you. It has taken care of you. Now it is asking you to try something else, a deeper dimension of your own self. To go inside, explore meditation, go on a spiritual path and find your own self. The stability which has happened outside is beautiful. But this is not going to stay for long. The only stability which is going to stay is inside of you, that love which you have for God, for your own self, the temple which is waiting for you. So the card invites you to go inside and go on a spiritual journey, go on a trip of finding your own self. So this is my reading for you for Ten of Cups, a very short one of course, because there is nothing much to say here and everything is very clear. And ऐसे बहुत कम कार्ड्स हैं यू नो टैरो के जिसमें कुछ खास कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन द मैसेज इज़ सो क्लियर, इट इज़ सो विजिबल कि कोई भी इस कार्ड के पिक्चर को देख के बता देगा कि दैट इट्स अ हैप्पी कार्ड। सो इस हैप्पी कार्ड के साथ मैं आज विदा लेता हूँ एंड आपको मैं मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्जॉय योर सेल्फ एंड हैव अ ब्लिसफुल लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।